बालकों ने अपने बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र बुदई दलदली में ग्रामीण खेलकूद स्पर्धा आयोजित की। क्षेत्र में बालकों की ओर से पहली बार आयोजित स्पर्धा में 35 गांवों की लगभग 400 खेल प्रतिभाओं ने भागीदारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। बोरला एसडीएम श्री अश्वनी देवांगन ने अनेक ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। बुदई दलदली में आयोजित ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशी राम ध्रुवे थे। उन्होंने कहा कि बालकों का आयोजन मनोरंजन और परस्पर सद्भाव की मजबूती की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने खिलाड़ियों को टीम भावना और अनुशासन से खेल प्रदर्शन की प्रेरणा दी। बालकों द्वारा इस क्षेत्र में ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन किए। हम दिन भर काम करते हैं और काम करते करते कामों में ही उब जाते हैं। इस बीच एक मनोरंजन के साथ साथ आपसी सद्भाव प्रेम की भावना विकसित हो, इस दृष्टि से खेल अति आवश्यक है। हम खेल के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नौजवान साथी हैं, उनसे आपस में एक परस्पर प्रीति, खेल के माध्यम से एक दूसरे की पहचान हम सब आपस में कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री राकेश शर्मा ने सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बेहतरीन आयोजन के लिए बालको प्रबंधन साधुवाद का पात्र है। केसमर्दा के सरपंच श्री सुखीराम परस्ते कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। ग्रामीण स्तरीय खिलाड़ी भाइयों को उनकी प्रतिभा को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए ये मैदान उपलब्ध कराई, बालको बधाई के पात्र है जिन्होंने इस तरह के आयोजन किया है। तीन दिवसीय आयोजन में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्सी खींच दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रितंगी दौड़, तीरंदाजी, मटका दौड़, कुर्सी दौड़, भाला फेंक और गोला फेंक स्पर्धा में ग्रामीणों ने दमखम दिखाया। श्री देवांगन ने बालकों के खेल आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे अनेक ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उत्साहजनक सहभागिता रही और प्रथम आयोजन में आपकी सहभागिता निश्चित तौर पे उत्साहजनक रही। जिस तरह से पिछले तीन दिवस में आप लोगों ने आयोजन के समय में शुरू से लेके आखिरी तक जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया, तारीफ़ काबिल है। हालांकि देखने का अवसर कम ही मिलता है, पर जितना अवसर मिला काफी था यह बताने के लिए कि आपने पूरे तीन दिवस तक किस तरह से उत्साह से इस आयोजन में भाग लिया।
मैं बधाई देना चाहूंगा बालको प्रबंधन को कि उनकी एक अनूठी पहल थी ये, और इस अनूठी पहल में मेहनत कस इंसान कुछ ऐसा समय निकाल पाया जहां पे लोगों को अपनी प्रतिभाओं से जुड़ने का मौका मिला। विशिष्ट अतिथि बैगा विकास संगठन के अध्यक्ष श्री लमतो बैगा ने 3 दिवसीय आयोजन में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बेहतरीन खेल प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे अपनी प्रतिभा से क्षेत्र का नाम रोशन करें। श्री बैगा ने यह भी कहा कि बालकों ने अपने आयोजन के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में ग्राम दलदली सरपंच श्री लुंगा सिंह और ग्राम बमनतरा सरपंच श्रीमती कमला मरावी विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। बालकों के सामुदायिक संबंध प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव ने कहा कि 35 गांवों की प्रतिभाओं का आयोजन में भागीदारी करना बालकों प्रबंधन के लिए उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि बालकों प्रबंधन स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वयन कर विकास की अनेक परियोजनाएं संचालित कर रहा है। तो आज वैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है 3 दिनों का, और मैंने देखा कि 35 गांव से लोगों ने इसमें भाग लिया, और 3 दिन तक यहाँ केवल हंसी खुशी ही दिखाई पड़ रही थी हम लोगों को, और लोग खूब बढ़िया से इसमें भाग ले रहे थे। हारने वाले भी हंस रहे थे, जीतने वाले तो हंसी रहे थे, तो खूब आनंद आया लोगों को। श्री देवांगन एवं विशिष्ट अतिथियों ने स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। बालकों के सामुदायिक विकास सह महाप्रबंधक श्री आशीष रंजन ने खेलकूद प्रोत्साहन की दिशा में बालकों की योजनाओं से नागरिकों को अवगत कराया।